प्रेस वार्ता बुलाने का रीजन क्या हुआ? आज का जो प्रेस वार्ता है वो नवादा जिले में का ज्वलंत मुद्दा है बिजली। मैं क्षेत्र भ्रमण के दौरान जनमानस से जनसंवाद कार्यक्रम किया तो पता चला कि बिजली का समस्या पूरे नवादा जिला में 14 प्रखंड है, 14 जिला में बिजली की समस्या है। इसलिए आंदोलन का रूपरेखा तय करने के लिए, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने के लिए मैंने आज प्रेस वार्ता बुलाया। आप भी जानते होंगे कि बिजली अति आवश्यक है, भोजन वस्त्र आवास, मुझे ऐसा लगता है अभी के समय में बिजली के बिना ना भोजन मिल सकता है, ना वस्त्र, ना आवास। इसलिए बिजली अति आवश्यक है। और बिजली के साथ साथ आप भी देख रहे होंगे, बिहार सरकार भी सर्वेक्षण करा रही है, नवादा जिला पहाड़ी क्षेत्र है, 80% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। इसलिए मैं अकाल क्षेत्र नवादा को अकाल क्षेत्र घोषित करने की मांग मैं सरकार से करता हूं। इस वार्ड मंडल की बात है, लगातार 17 सालों से मैं आंदोलन कर रहा हूं ये भी, लेकिन प्रमुख मुद्दा है पूरे नवादा जिला में सुनिश्चित बिजली मुहैया कराना, किसानों को 18 घंटा बिजली देना वो फ्री, गरीब लोगों को फ्री बिजली देना, यही मुद्दा है मेरा। सबसे प्राथमिकता वाला मुद्दा होगा बिजली। बिजली के लिए सरकार से भी मांग करेंगे, वो जिला समर्थता को भी सूचना देंगे, सारे बिजली विभाग के पदाधिकारियों को भी सूचना देंगे, उसके बाद खुली चिट्ठी होगा, धरना होगा, उपवास होगा, माने तमाम तरह के लोकतांत्रिक तरीके से बिजली के लिए कि कम से कम 22 घंटा बिजली मिले और किसान को फ्री बिजली मिले। जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य का भी हाल बेहाल है, उस पर क्या कहना है? तो शिक्षा तो जरूरी है, मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि दिल्ली के तर्ज पर फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य, इसके लिए आंदोलन होगा, लेकिन तत्काल में बिजली, बिजली पर मेरा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा, खुली चिट्ठी होगा, उपवास होगा, धरना होगा, जितनी तरह के चरणबद्ध शांति तरीके से वो बिजली अभी मुद्दा। शिक्षा स्वास्थ्य भी अति आवश्यक है, बिना शिक्षा तो मानव जीवन बेकार है, पशु समान है। फ्री शिक्षा अब फ्री स्वास्थ्य, जिस तरह से दिल्ली की सरकार दे रही है, मैं यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार से ये भी, इसके लिए भी आंदोलन होगा, लेकिन अभी नवादा